उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 5 चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। बताते चले कि गैंग के कब्जे से पुलिस ने बाइक समेत नेपाली करेंसी व 6 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। फकरपुर थाना क्षेत्र से सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जी, आज सुबह भोर में लगभग 4:30 बजे जब थाना फकरपुर की पुलिस भ्रमण पर थी, तो उनके द्वारा 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पाया गया, जो कि अलग अलग मोटरसाइकिल सवार किए हुए थे। उनसे पूछताछ करने पर तथा उनके वाहनों के दस्तावेज देखने पर पाया गया कि ये सभी मोटरसाइकिल्स चोरी की। उनसे पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि एक और निकट में स्थान है डिजर्टेड, जहाँ पर उन्होंने और मोटरसाइकिल छुपा रखी थी, और 5 कुल चोरी के मोटरसाइकिल जिनके पास से बरामद हुई है, और 6 मोबाइल फोन। इनमें से एक व्यक्ति जो है वो एक रिपेयरिंग की दुकान गोंडा में चलाता है, और अमूमन ये लोग अपनी बाइक्स चुरा के विभिन्न क्षेत्रों से, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा आदि से वहीं पर छुपा देते थे ताकि किसी को संदेह न हो। तो आज थाना फकरपुर की पुलिस द्वारा अपनी सतर्कता का परिचय देते हुए इन 5 मोटरसाइकिल्स को और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जेल भेजा जाएगा। कहां से गिरफ्तार? मैम, ये लोग जैसे कि बहराइच बॉर्डर का जिला है, नेपाल से सटा हुआ, इनके लिंकअप हैं, और इन्होंने पूछताछ में भी यही बताया कि ये नेपाल ही ले जा रहे थे बेचने के लिए, और एक के पास से नेपाली करेंसी भी कुछ चोर बरामद हुई है। तो वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर पार बहुत प्रीमियम पे ये बिना कागजात के बेच पाते हैं, तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि हमारे जो निकटतम जनपद हैं उनसे भी चुरा के वाहन जो हैं यहाँ हमारे जनपद के माध्यम से नेपाल की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। मैम, जो 5 मॉडल गैर जनपद की